हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री महाकाली डेली अपडेट्स। आज देखा है फ्रेंड्स, मैंने अच्छा से जूस बनाया है, कैरेट जूस और बीटरूट जूस, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। जो भी पहले बार मेरे चैनल देखते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ का कैरेट लिया है। फिर इस कैरेट को मैंने अच्छी तरीके से राउंड शेप में काट के लिया है फ्रेंड्स, और बहुत ही टेस्टी होता है वो, बहुत ही शहद के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। देखो, इस सब कैरेट पीसेस को मैंने मिक्सर में लिया है, और फिर इसमें ना फ्रेंड्स, कभी डायरेक्ट नहीं पानी डाल के नहीं मिक्सी करने का, इसमें दो चार या 5 आइस क्यूब्स डाल के इसको वैसे ही अपन ब्लेंड करना चाहिए। पानी डालेंगे तो पीसेस क्रश होता नहीं अच्छी तरीके से। देखा फ्रेंड्स, मैंने जितना चाहिए उतना स्वादिष्ट अनुसार मैंने थोड़ा सा शुगर लिया है। फिर शुगर के बाद फिर मैंने थोड़ा सा लाइटली पानी ऐड किया, और फिर डायरेक्ट अभी इसको मैंने कैसे छान कर रहे हैं देखिए फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी नहीं देना, थोड़ा सा डाल के फिर ऐसा ब्लेंड करके लेने का पहली बार। उसके बाद फिर इसको अच्छी तरीके से अपन देखे फ्रेंड्स, एक चालन लेने का, फिर चालन में ऐसा स्पून से अच्छी तरीके से अपन इसको छान करके लेने का। देखा फ्रेंड्स, पूरा जूस नीचे चले गया। फिर उसके बाद मैंने उस जूस का पेस्ट को फिर साइड में रख देती हूँ फ्रेंड्स। देखा कैसे ड्राई हो गया अपना, कैसे ड्राई हो चुका है ना फ्रेंड्स इस कैरेट का कैरेट का जूस का। फिर इसको अभी बाजू में रख देने का, फिर ऐसे ही छान के लेने का है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा है ये शहद के लिए, और बॉडी में भी ग्लोनेस आता है अपना, किसी को पिगमेंटेशन रहता है फेस पे, वो सब क्लीन हो जाता है, और अपना हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेनिफिट्स है फ्रेंड्स। और उसके बाद जिनको शुगर और बीपी रहता है, उन लोग विदाउट शुगर ऐड करके इसको पी लेने का बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। दिन में एक बार पिया या हफ्ते में 2-3 बार लिया, बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। इस सब पेस्ट को, जो अपन सब जूस निकालने के बाद जो भी पेस्ट बचता है ना फ्रेंड्स, उस पेस्ट को अभी वापस अपन एक बार मिक्सर में डाल के फिर उसको पानी डाल के वापस एक बार करके लेना है फ्रेंड्स, मिक्सी करके लेना। देखा फ्रेंड्स, कितना अच्छा गाढ़ा जूस बना है ना। फिर देखो, इस पेस्ट को मैंने वापस एक बार मिक्सर में डाल के फिर उसमें अब भी पानी ऐड करने का फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से जितना क्वांटिटी से उतना फिर पानी ऐड करके उसको वापस पेस्ट करके लेना है फ्रेंड्स। पेस्ट करके लेने के बाद फिर ऐसे मैस ऐसे अपन छान के लेना है। देखा फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ा सा ही पानी चाहिए। फिर देखा, मैंने 1/2 ग्लास से पानी डाला है, फिर अपना जूस को लिया है फ्रेंड्स। आधा आधा इसमें पहला निकाला हुआ जूस है फ्रेंड्स। अभी देखो, ये सेकंड टाइम पानी डाल के मिक्स किया हुआ फिर वापस मैंने छान के ले रहे। देखो फ्रेंड्स, उस जूस को मैंने अभी वापस मैंने ग्लासेस में ऐड करके ले रहे। वाह, कितना ऑरेंज कलर कलरफुल लग रहा है ना फ्रेंड्स। फिर इस जूस को देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही गुड प्रॉपर्टीज़ होता है इसमें, मेडिकल वैल्यूज़ होते हैं। थोड़ा सा नींबू भी मैंने इसमें ऐड करके ले रहे हैं फ्रेंड्स। देखा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा नींबू भी ऐड किया है फ्रेंड्स। और आप लोग को चाहिए तो नींबू ऐड करना, नहीं ऐड करना ये तो ऑप्शनल है। और जिनको शुगर और बीपी रहते हैं फ्रेंड्स, उन लोग थोड़ा सा शहद चाहिए तो पीने का, नहीं तो वैसे डायरेक्ट भी लिया ना तो भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। देखो, हम लोग तो एक एक स्पून का स्वीटनेस के लिए, बच्चे भी पीते हैं ना फ्रेंड्स, इसीलिए स्वीटनेस के लिए मैंने यहाँ पर हनी भी ऐड किया है 1-1 स्पून। फिर हनी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से वेल एंड गुड मिक्स करके लिया है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी था, और अच्छी तरीके से मैंने इस जूस को बनाया है फ्रेंड्स। बच्चे लोग भी बहुत पसंद से पिया है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी ट्राई करो आपका घर पे। और मेरे पास पुदीना है, तो एक पुदीना का लीफ से मैंने ऐसे डेकोरेट किया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। फिर अभी देखा फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना ऑरेंज, इसमें तो फूड कलर वगैरह समथिंग कुछ भी ऐड नहीं किया है। वाह, कितना मस्त लग रहा है ना फ्रेंड्स। सो प्लीज़ आप लोग भी आपका घर पे ट्राई करो, आप लोग को भी बहुत पसंद आ जाएगा। और इस समर में तो ये पीने में तो बहुत ही अच्छा, हेल्दी रहेगा आप लोग, और डिऑक्सिकेशन भी नहीं हो जाएगा अच्छी तरीके से। प्लीज़ आप लोग भी आपका घर पे इस जूस को बना के आप लोग भी इंटेक करो कि ये समर में बहुत ही बेस्ट है। और जिनको वाटर क्वांटिटी बॉडी से कम हो जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, प्लीज़ ट्राई करो। और हर एक भी इस जूस को
ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कोई पेशेंट ही लेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तक हर कोई इस जूस को पी सकता है। प्लीज़ अच्छी तरीके से आप लोग यूज़ करो इसको। और अभी मैं दूसरा बीट रूट का जूस बना रहे फ्रेंड्स। इस बीट रूट के लिए मैंने 2 बीट रूट लिया है छोटा वाला, फिर इसको अच्छी तरीके से पीसेस काट के लिया है फ्रेंड्स। और इसको मैंने डायरेक्ट मिक्सर में ऐड किया। और कैरेट से ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है फ्रेंड्स, ये बीट रूट, इस वजह से इसमें पानी डाल के ही मैंने इसको ये किया है फ्रेंड्स, ब्लेंड किया है, देखा यहाँ पर। और अभी मैंने इसमें शुगर ऐड किया। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा शुगर ऐड करके फिर इसको वापस मैंने ब्लेंड करके लिया तो ऐसा आया है फ्रेंड्स। फिर देखा यहाँ पर मैंने इसको भी अच्छी तरीके से छान करके लिया, जैसे अपना कैरेट जूस को छान के लिया था ना फ्रेंड्स, उसी तरीके से छान के लिया है। और अपना थोड़ा भी अपना जूस वेस्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से आप लोग एंजॉय करेगा। किसी के कोई बच्चे पतले हो जाते हैं फ्रेंड्स, और किसी का बॉडी में खून कमी रहता है, तो उन लोगों के लिए ये बीट रूट जूस बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है। और बीट रूट और कैरेट जूस दोनों भी इंटेक करने के वजह से कम 30 दिन, मतलब 1 मंथ कोई अगर ये बीट रूट और कैरेट ऐड करके ऐसा अगर जूस बना के लेते हैं ना फ्रेंड्स, कितना भी काला रहने दो, वो इंसान 30 दिन में उनका कलर ही चेंज हो जाता है, और गोरापाना भी अच्छे से आता है, नेचुरल है, और बहुत ही फेस पे तो ग्लो आ जाता है फ्रेंड्स। ये दोनों मिक्स करके ये जूसेस एक एक ग्लास 2 ग्लास लेने में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो आ जाते हैं। आप लोग ट्राई करो फ्रेंड्स, 1 महीना अगर पी के ये देखो, फिर उसके बाद मुझे फीडबैक दे दो फ्रेंड्स, कैसा हुआ करके और कैसे आप लोग फील हुआ करके। बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स। और इसमें देखा जाएगा तो कैरेट जूस रहने दो, ये बीटरूट जूस रहने दो फ्रेंड्स, इसमें मेडिकल वैल्यूज बहुत होते हैं। और ये डेली पीने से, और किसी को वेट लॉस भी करना है वो लोग है ना, नाइट का खाना स्किप करके 1 ग्लास का बीटरूट जूस और 1 ग्लास का कैरेट जूस अगर पिएगा तो उनका वेट लॉस बहुत ही अच्छे से लूज होते हैं फ्रेंड्स। और कैरेट जूस और ये बीटरूट का जूस पीने से पेट भर जाते हैं और जल्दी भूख भी लगता नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करते हैं। और मेटाबॉलिक भी बढ़ता है, और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का तकलीफ़ होता है जिनको भी, वो लोग भी ये जूस डेली इंटेक करने से उनको वो भी तकलीफ़ कम हो जाता है फ्रेंड्स। देखा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नींबू इसमें भी ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। और कोई भी अगर कितना भी वेट लॉस होते हैं, लेकिन इसमें वेट लॉस होना तो ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये 2 जूस इंटेक करने में, लेकिन इसके लिए समय लगता है। और उसी में ये भी डिपेंड होते हैं आप लोग क्या खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना हैवी प्रोटीन का खाना खा रहे हैं, कितना जंक फूड खा रहे हैं, वो भी डिपेंड करते हैं। ऐसे नहीं कि सब जंक फूड खा के और ये जूस पिया तो अपन वेट लॉस कर सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा आपको खाना देख के खाना पड़ेगा। मतलब खाना कितना भी खा सकते हो, लेकिन लो कैलोरी खाना खाने का तो बहुत अच्छी तरीके से, तो अच्छी तरीके से आप लोग उनका वेट लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ही बेस्ट है, इस रेसिपीज कभी भी पी सकते हैं, ठंडी समर बारिश में, कभी भी ऐसा सीजनेबल नहीं है कि समर में ही पीने का, ऐसा कुछ ना, कौन सा भी सीज़न में इस जूस को आप लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट है फ्रेंड्स। आपको जिसको भी मेरी चैनल पसंद आए फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करना भूलना मत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ऑल का बटन प्रेस करना, और कमेंट करना प्लीज़ भूलना मत। और बहुत सारे लोग तो मुझे अच्छी तरीके से कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू। और जिनको पसंद आता है, जो मेरे डिशेस को ट्राई करते हैं, प्लीज़ मुझे फीडबैक देना भूलना मत फ्रेंड्स, और मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को व्हाट्सएप में मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा रेसिपीज़ है, और देख के बहुत सारे लोग खुशी भी हो जाते हैं और मेरे चैनल को अच्छी तरीके से देखते हैं। सभी लोगों के लिए थैंक यू सो मच माय व्यूवर्स, एंड आई लव टू ऑल। प्लीज़ ऐसे ही मुझे सपोर्ट करो, और वैसे ही मेरे चैनल को वॉच करते रहो, मेरे चैनल को लाइक करो। थैंक यू सो मच आल ऑफ यू फ्रेंड्स, और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी डिशेस आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।